सौम्या की तलाश में दर दर भटक रहे हैं हरमन, सौम्या की जुदाई में तड़प रहे हैं हरमन। अपनी गुलाबों को वापस पाने के लिए हरमन अब बेचैन हो गए हैं। तभी तो देखिए ना, सौम्या की तलाश हरमन को ले आई है गुरदासपुर से लुधियाना, वो भी इस उम्मीद में कि शायद सौम्या यहीं कहीं हो। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जसलीन भी हरमन के साथ है, यानी शादी टूटने के बाद भी जसलीन निभा रही है अपनी दोस्ती का फर्ज। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर हरमन के प्यार की ताकत, हरमन खिलौनों की उसी दुकान में आ पहुंचे हैं जहां सौम्या ने सेल्स गर्ल की नौकरी करनी शुरू की है। लेकिन यहां हरमन की मुलाकात सौम्या नहीं समीर से होती है। आइए भाई सर, कहिए किस तरह टेंट चाहिए आपको, गर्लफ्रेंड के लिए, बीवी के लिए, बहन के लिए, अब जिस तरह टेंट चाहिए सब मौजूद है यहां। इनफैक्ट आप पैसे भी मत दीजिए, एक्चुअली इस इलाके में किसी भी पूछ लीजिए, इससे सस्ता ऑलरेडी आपको कहीं मिल नहीं सकता। इसके बाद हरमन समीर को अपने यहाँ आने की वजह बताने ही वाले होते हैं कि तभी हरमन के फोन पर आती है कॉल और उसको मिलती है एक शॉकिंग न्यूज। बाजी को गोली मार दी गई है, जल्दी आ जा। क्या? अरे भाई साहब, अरे एक भाई साहब किधर? हरक सिंह को गोली लगी है। ये बात सुनकर हरमन उल्टे पैर वहाँ से लौट जाते हैं और एक बार फिर नियति के खेल की वजह से मिलते मिलते रह जाते हैं हरमन और सौम्या। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।